वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास आज बहुत सारे स्पीकर हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो स्पीकर पे होने वाला है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एम्पलीफायर के साथ हम किस तरीके का स्पीकर यूज करें जिससे कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिली, और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरीके से स्पीकर को आपको सेलेक्ट करना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको स्पीकर में खरीदते समय देखनी चाहिए, किस तरह के एम्पलीफायर के साथ किस तरह का स्पीकर आप खरीदे। और ये वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है, ताकि आपको दोबारा फिर कहीं खोजने की जरूरत ना पड़े। सारी चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। और इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो करता है। तो इसके पहले कि हम स्पीकर के बारे में डिटेल में बात करें, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्पीकर होता क्या है। स्पीकर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, या इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज कर देता है। और वो किस तरीके से करता है, ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है इसका। आप जानते हैं कि किसी भी क्वाइल में जब करंट दी जाती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास मैग्नेट हो तो उस क्वाइल में मोशन होने लगेगा। उस क्वाइल के साथ अगर हमें एक पेपर का कोन जोड़ दें तो हमारा वाइब्रेशन जो है ऑडियो में चेंज हो जाता है। अगर उस क्वाइल में जाने वाली करंट की फ्रीक्वेंसी 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो वो चीज हमें ऑडियो के रूप में सुनाई देगी। तो स्पीकर की थ्योरी बहुत ही सिंपल है। स्पीकर किस तरीके से बना होता है, इसका एक्सप्लोडेड व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पीछे मैग्नेटिक पोल के पीस होते हैं और एक राउंड मैग्नेट लगा होता है। उस मैग्नेट के बीच में एक क्वाइल लगी होती है, क्वाइल के साथ स्पाइडर लगा होता है, और उस क्वाइल के साथ ही आपका कोन लगा होता है जो पेपर या प्लास्टिक का बना होता है। और आपकी क्वाइल भी, जिसमें आप करंट को फीड करते हैं, जो इसके बीच में रहती है, वो क्वाइल भी आपकी कॉपर की या एल्युमिनियम की हो सकती है। इसके ऊपर एक डस्ट कैप होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डस्ट कैप होता है। तरीके से अप डाउन जब मोशन होता है, इसमें मोशन अगर 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच का हुआ तो यही हमें ऑडियो के रूप में सुनाई देता है। तो स्पीकर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है। और दोस्तों, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्पीकर कई तरीके के होते हैं। जैसे ट्वीटर होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी को रिप्रोड्यूस करता है, उसके बाद आपका मिड रेंज स्पीकर आता है, जैसे ये पेपर वाला है तो ये आपका वोकल एरिया को कवर करता है, और उसके बाद मिड बेस का होता है, प्रोफेशनल में मिड बेस का होता है, बूफर होता है और सब बूफर होता है। तो सभी की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी क्राइटेरिया अलग अलग है, बाकी कंस्ट्रक्शन सभी का एक ही तरीके का है। सभी में मैग्नेट और क्वाइल उसी तरीके से लगी होती है। ट्वीटर्स कुछ अलग टाइप के होते हैं, स्पीकर भी अलग टाइप के होते हैं मैग्नेटिक के अलावा। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर भी होता है, ट्वीटर भी जो है पीजो ट्वीटर आता है, जो कि अलग थ्योरी पे काम करता है, बाकी ट्वीटर्स एक ही तरीके से होते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम मार्केट में स्पीकर लेने जाते हैं तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें मैं आपको दो हिस्से में बताऊंगा। एक तो जनरल टॉपिक है कि हाँ, जनरली आप क्या देख सकते हैं कि ये चीज स्पीकर में होनी चाहिए, और दूसरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो जनरल पॉइंट में आप देख सकते हैं, स्पीकर का साइज आपको चूज करना होता है सबसे बड़ी बात, तो आपके रूम के साइज के हिसाब से होता है। प्रोफेशनल ऑडियो में 12 इंच के ऊपर के स्पीकर यूज होते हैं नॉर्मली, और होम ऑडियो में 12 इंच के नीचे यूज होते हैं। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी साइज कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज्यादा सुटेबल माना जाता है क्योंकि प्रोफेशनल ऑडियो में आवाज की लाउडनेस बहुत ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम वहां बड़े साइज का स्पीकर यूज करते हैं। और होम ऑडियो में चूंकि हमारा क्लोज्ड स्पेस में होता है, हम रूम में यूज करते हैं, इस वजह से छोटे स्पीकर से हमारा काम चल सकता है। तो सबसे पहली बात, आपको साइज देखना होता है कि आपके एनवायरमेंट, यानी आप जिस साइज में अपने स्पीकर को यूज करने जा रहे हैं, उसके लिए कौन सा चीज सुटेबल है। यानी कि अगर आप एक छोटे रूम में यूज करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है छोटा ही स्पीकर एनफ होगा। एक बहुत बड़ा रूम है या हॉल है तो आपको बड़ा स्पीकर लेना पड़ेगा। अगर आप अपना ऑडियो एक ऑडिटोरियम में चलाना चाहते हैं, स्टेडियम में चलाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े एम्पलीफायर्स और बहुत बड़े स्पीकर्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात दोस्तों, कि स्पीकर जब भी खरीदे तो उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल देख लें कि किस चीज से बना है। जैसे कि ये स्पीकर देखिए, प्रेस्ड मेटल से बना है इसकी बैस्केट जो है, और सिंपल है स्पीकर ये। तो इस तरह के जो प्रेसिंग मेटल वाले स्पीकर होते हैं, देखिए ये भी प्रेस मेटल से बना है, तो हल्के स्पीकर में इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा, प्रेस मेटल का बना होगा, कोई बहुत रिजिड नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे स्पीकर आपका बड़ा होता चला जाता है, तो ये देखिए, ये स्पीकर भी प्रेस मेटल का ही बना हुआ है, लेकिन ये सभी होम स्टूडियो के हैं स्पीकर। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल में जाएंगे तो वहां मैग्नेट साइज बहुत भारी हो जाती है और पावर बहुत ज्यादा इस में डिलीवर होता है, तो उसके हिसाब से ये वाइब्रेशन करने लगता है। इसीलिए अगर आप प्रोफेशनल स्पीकर यूज कर रहे हैं तो बैस्केट का मटेरियल आप देख लें, ये प्रेस मेटल से नहीं चलेगा, 12 इंच तक में चल सकता है, उसके बाद अगर हैवी है तो आपको फिर मेटल डाईकास्ट की बाटी लेनी पड़ेगी, जो कि
काफी मजबूत होती है और उसमें वाइब्रेशन वगैरह नहीं होता है। उसके अलावा कोन मटेरियल भी आप देख लीजिए, पेपर कोन काफी अच्छा माना जाता है ऑडियो क्वालिटी में, तो लाइफ भी इसकी अच्छी होती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये सराउंड जो है ये फोम का घर के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे कि अगर आप इन दो स्पीकर्स को कंपेयर करेंगे तो ये पेपर का कोन है और फोम का इसका सराउंडिंग है, तो ये स्पीकर है इसका पीवीसी का कोन है और ये सराउंडिंग भी इसकी पॉलीयूरेथीन की है, तो इसकी लाइफ ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन लोग बोलते हैं कि पेपर कोन की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, सॉफ्ट बेस के लिए अच्छा होता है और ये थोड़ा मिड बेस के लिए अच्छा होता है। इस तरह का स्पीकर लाइफ इसकी ज्यादा रहती है क्योंकि पानी और वेदर वगैरह का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। फोम जो होता है ये 10-15 साल में खराब होने लगता है। ये तो रही एक मटेरियल की जनरल बातें, और क्वाइल वगैरह भी आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम CCW कॉपर क्लैड एल्युमिनियम क्वाइल भी यूज होती है इसके बॉबिन मटेरियल में, और कॉपर भी यूज होता है। तो नॉर्मली कॉपर ही यूज होता है और कॉपर बहुत अच्छा मटेरियल होता है, क्योंकि वाटेज इसी बात पे डिपेंड करती है कि बिना गर्म हुए बिना हीट हुए कितना ज्यादा टेम्परेचर इसकी क्वाइल झेल सकती है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसके अंदर की क्वाइल हीट हो जाती है, हीट होने से उसका गम पिघल जाता है या उसका मेटल भी पिघल जाता है। दूसरी बात कि अगर पेपर का है तो पेपर जल जाएगा। एल्युमिनियम या कैप्टन वगैरह में कुछ मटेरियल आते हैं जो कि ज्यादा टेम्परेचर को सह सकते हैं। तो ये सब जनरल बातें हैं। उसके अलावा स्पीकर में एक ये मैग्नेट साइज जो है ये भी आपको देखना चाहिए, डबल मैग्नेट का भी आजकल प्रचलन बढ़ रहा है, तो डबल मैग्नेट मैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लगाया जाता है स्पीकर की। तो जितना मैग्नेट में पावर होगा उतना ही स्पीकर अच्छा होगा, उतना ही तेज आवाज आएगी। और मैग्नेट के साइज से भी मैग्नेट के पावर पे फर्क पड़ता है, इसकी सेंसिटिविटी पे फर्क पड़ता है। अगर ज्यादा बड़ा मैग्नेट होगा तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पावर होगी तो आपका स्पीकर भी तेज बजेगा। ये सब चीजें मैं आपको टेक्निकल पॉइंट में भी डिटेल से बताऊंगा। तो ये जनरल बातें हो गई, ये चीजें ध्यान में रखिए, बास्केट मटेरियल क्या है, मैग्नेट किस तरीके से का है। आजकल नियोडाइमियम मैग्नेट के भी स्पीकर आ रहे हैं जो कि मैग्नेट काफी छोटा होता है लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों आप चलते हैं टेक्निकल व्यू ऑफ पॉइंट से कि स्पीकर खरीदते समय हमें किन टेक्निकल बातों किन स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप मार्केट में स्पीकर खरीदने जाएं तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या देखना है, चाहे वो प्रोफेशनल स्पीकर हो चाहे वो होम ऑडियो का स्पीकर हो, सबसे जरूरी चीज देखनी है आपको सेंसिटिविटी, यानी कि उस स्पीकर की सेंसिटिविटी क्या है। तो सेंसिटिविटी टर्म अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं समझा देता हूं कि स्पीकर की सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। तो स्पीकर की सेंसिटिविटी दोस्तों किस तरीके से डिसाइड करनी चाहिए, इसका साइंटिफिक तरीका क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो एक स्पीकर लिया जाता है दोस्तों, और उसके बाद हम उसको 1 वाट का पावर देते हैं, एक फिक्स फ्रिक्वेंसी का, और उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर हम ऑडियो मीटर रखते हैं। तो जितनी आवाज उस ऑडियो मीटर में रिकॉर्ड होती है, जितनी लाउडनेस की आवाज, सपोज कीजिए कि जैसे यहां पे दिखाया गया है 87.2 डेसिबल्स, आप जानते हैं कि आवाज की तीव्रता डेसिबल्स में नापी जाती है। तो 1 वाट की पावर देने पर 1 मीटर की डिस्टेंस पे जो तीव्रता हमें आवाज की सुनाई देती है उसी को हम स्पीकर की सेंसिटिविटी कहते हैं। और ये इतना जरूरी क्यों है ये भी आप जान लीजिए। स्पीकर की सेंसिटिविटी नॉर्मली लिखी हुई आती है, अगर उसके आप बॉक्स पे देखें, जैसे कि ये स्पीकर आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे दिया हुआ है कि सेंसिटिविटी इसकी जो है 85 dB, जेबी नहीं है डीबी है, गलत छप गया है, 85 dB पर वाट पर मीटर है। तो इन्होंने सेंसिटिविटी दी है लेकिन इससे होता क्या है, अब मैं आपको समझाता हूं। डेसीबल एक मैथमेटिकल टर्म है और 3 डेसीबल फर्क का मतलब दुगनी पावर होती है। तो दोस्तों यहां पर मैं डेसिबल समझाने के लिए आपको 3 स्पीकर का एग्जांपल दूंगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास 3 स्पीकर हैं, स्पीकर ए, स्पीकर बी, स्पीकर सी। स्पीकर ए की सेंसिटिविटी है 85 डेसिबल, स्पीकर बी की है 88 डेसिबल और स्पीकर सी की है 91 डेसिबल। यानी आप देख रहे हैं तीनों के बीच में 3-3 का फर्क है, 85, 88, 91। तो इससे होता क्या है कि 85 डेसिबल्स वाले स्पीकर को अगर आप 100 वाट पावर देंगे तो जितना साउंड प्रेशर लेवल या लाउडनेस मिलेगी, आप जिसको कहते हैं आवाज की तेजी मिलेगी, उतनी ही तेजी सिर्फ 50 वाट देने पर 88 डेसिबल वाले स्पीकर से आपको मिल जाएगी। यानी कि 88 डेसिबल वाला स्पीकर सिर्फ 50 वाट में उतनी आवाज देगा जितनी कि 85 डेसिबल वाला स्पीकर 100 वाट देने पर देगा। यानी कि 3 डेसिबल का फर्क जो होता है आवाज में दुगुनी तेजी के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि अगर आपके पास 2 स्पीकर्स हैं, एक की सेंसिटिविटी है 85 डेसिबल्स और एक की सेंसिटिविटी है 88 डेसिबल्स, तो अगर आप 50 वाट्स की ही पावर देंगे
तो 88 डेसिबल्स वाला स्पीकर 85 डेसिबल्स वाले स्पीकर से डबल तगड़ी आवाज देगा। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि सेंसिटिविटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो होम ऑडियो के स्पीकर्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी ज्यादातर 80-85 के आसपास होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो प्रोफेशनल ऑडियो के स्पीकर होते हैं उनकी 85 के ऊपर 87-88-90 डेसिबल्स तक की सेंसिटिविटी होती है। एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए कि स्पीकर और ट्वीटर की सेंसिटिविटी वूफर की सेंसिटिविटी से ज्यादा होती है और बुफर सब बुफर की सेंसिटिविटी स्पीकर ट्वीटर के मुकाबले में कम होती है। यही रीजन है कि जब हम स्पीकर वूफर ट्विटर सभी को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें नेटवर्क प्लेट लगानी पड़ती है ताकि सभी में पावर उनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से जाए, ताकि सभी की सेंसिटिविटी बराबर हो जाए, मैच हो जाए, इसीलिए हमें इक्वल आवाज सुनाई देगी। अगर आप एक स्पीकर ट्विटर वूफर इक्वल ऑडियो देंगे बिना क्रॉसओवर नेटवर्क के तो आपकी ऑडियो में बैलेंस अच्छा नहीं आएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि स्पीकर खरीदते समय उसकी सेंसिटिविटी का कितना महत्व है। तो जब भी आप स्पीकर खरीदें तो हाई सेंसिटिविटी वाला स्पीकर खरीदें। लेकिन ये दोस्तों जान लीजिए कि जितने हाई सेंसिटिविटी का स्पीकर होगा उसकी प्राइस उतनी ज्यादा ही होगी। और सेंसिटिविटी डिसाइड कैसे होती है दोस्तों? सेंसिटिविटी डिसाइड होती है जितना ही ज्यादा उसके मैग्नेट का पावर होगा और जितना ही ज्यादा इसके क्वाइल की रेडियस होगी, यानी जितनी बड़ी क्वाइल होगी उतनी ही ज्यादा उस स्पीकर की सेंसिटिविटी होगी। दूसरी चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो है स्पीकर का इम्पीडेंस या स्पीकर का रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं। और वो रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअली उसके अंदर जो क्वाइल लगी होती है उसी का रेजिस्टेंस होता है। एसी की लैंग्वेज में उसको इम्पीडेंस बोलते हैं और डीसी के लिए रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये डिजाइन पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्वाइल कितनी ओम्स की लगाई गई है। लेकिन आपको करना क्या है कि अगर आपका एम्पलीफायर 4 ओम को सपोर्ट करना है तो आप उसके साथ 4 ओम का ही स्पीकर लगाएं, तभी वो पूरी पावर दे पाएगा। अगर आप उसके साथ 8 ओम का स्पीकर लगाएंगे तो पूरी पावर नहीं दे पाएगा। दूसरी बात कि अगर आपका एम्पलीफायर 8 ओम को सपोर्ट करता है, आप 4 ओम लगाएंगे तो वो ओवरलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से ओम आपको अपने एम्पलीफायर के हिसाब से ही खरीदना है। फिर भी अगर आपने स्पीकर खरीद लिया जिसका इम्पीडेंस आपके एम्पलीफायर के सपोर्ट इम्पीडेंस से अलग है तो उसके लिए मैंने वीडियो में बताया है कि किस तरीके से आप इम्पीडेंस मैचिंग करा सकते हैं। दो या दो से ज्यादा स्पीकर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करा के आप किसी भी एम्पलीफायर में इम्पीडेंस को मैच करा सकते हैं। तो ये आपके पास एक एम्पलीफायर है जो कि 8 ओम के स्पीकर को चला सकता है और आपके पास है 4 ओम का स्पीकर, आपको इसके साथ यूज करना है। तो कि फिलहाल में मान लीजिए कि 20 वाट का एम्पलीफायर है, 20 वाट का आपका स्पीकर भी है, तो 4 ओम का स्पीकर भी आप यूज कर सकते हैं इस एम्पलीफायर के साथ जो कि आपके सिर्फ 8 ओम को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ये एम्पलीफायर 8 ओम पे 20 वाट लिखा हुआ है तो जब इसको आप 4 ओम से जोड़ेंगे तो इसकी पावर डबल हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब ये स्पीकर जो है इस एम्पलीफायर से ज्यादा वाटेज खींचने की कोशिश करेगा, ड्रॉ करने की कोशिश करेगा क्योंकि लोड ज्यादा दे रहा है। तो ये स्पीकर आपका खराब हो सकता है क्योंकि ज्यादा पावर ये खींचने की कोशिश कर रहा है और जबकि है ये 20 वाट का ही। और ये एम्पलीफायर चूंकि 8 ओम पे 20 वाट के लिए बना है तो जाहिर सी बात है अगर आप इसे 4 ओम पे करेंगे तो ये 40 वाट देगा, तो 40 वाट देगा और ये स्पीकर सिर्फ 20 वाट का है। तो ये स्पीकर खराब होने के चांस रहेंगे अगर आपका एम्पलीफायर इतना स्ट्रांग नहीं है, उसकी पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर आईसी वगैरह इतने स्ट्रांग नहीं है तो आपका एम्पलीफायर भी खराब हो सकता है। रेजिस्टेंस का आप एक थ्योरी जान लीजिए कि जब भी आप सीरीज में दो स्पीकर जोड़ते हैं, यानी कि आप सपोज कीजिए कि ये स्पीकर एक आपका है और ये दूसरा स्पीकर है, ये 4 ओम का है और ये 4 ओम का है, तो ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस। तो जब भी आप इसको सीरीज में जोड़ेंगे यानी कि एक स्पीकर का प्लस माइनस यहां जोड़ दिया, ये बच गया, तो रेजिस्टेंस हमारा जो है जुड़ जाता है, यानी कि टोटल अब यहां पे हमें 8 ओम मिलेगा। जब 8 ओम आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया तो इस एम्पलीफायर के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सीरीज का फार्मूला जान लीजिए, टोटल आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जितना भी आप लगा गए वो ओम आपका जुड़ता रहेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास सपोज कीजिए उदाहरण के लिए 2 ओम का स्पीकर है, आप यूज करना चाहते हैं एम्पलीफायर के साथ, तो 2 ओम के 4 स्पीकर आप लगाएंगे सीरीज में, 4 × 2 हो जाएगा 8 ओम, तो आप इस एम्पलीफायर के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सीरीज में हो गया, आप पैरेलल में क्या होता है कम ओम के एम्पलीफायर के साथ ज्यादा ओम का स्पीकर आराम से चला सकते हैं। ज्यादा ओम्स के एम्पलीफायर के साथ
कम ओम के स्पीकर आप नहीं चला सकते हैं। तो अगर स्पीकर पैरेलल में किए जाए तो उसका फार्मूला ये है 1/R, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 8-8 ओम के रेजिस्टेंस मिलके आपके 4 ओम बन जाएंगे। तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आप स्पीकर अगर खरीदना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग के मन में ये होता है कि मुझे इस तरह की पर्टिकुलर ऑडियो चाहिए, यानी कि मुझे शार्प वॉइस चाहिए, मुझे क्लियर वॉइस चाहिए, किसी को मिड बेस ज्यादा चाहिए होता है, किसी की पसंद होती है कि डीप बेस बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से आपको स्पीकर का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा। तो ये आपकी च्वाइस पे डिपेंड करता है और आपके एम्पलीफायर के फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास फुल रेंज का एम्पलीफायर है तो जाहिर सी बात है कि आपको फुल रेंज का स्पीकर खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 एम्पलीफायर है तो 2-way का खरीद सकते हैं, या फुल रेंज एम्पलीफायर में भी आप एक ट्वीटर और एक बुफर फ्रीक्वेंसी डिवाइडर नेटवर्क के साथ लगा के यूज कर सकते हैं। मेन पॉइंट यह है कहने का कि जिस तरह का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको चाहिए उस तरह का स्पीकर आपको खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि लोग पावर को लेकर परेशान रहते हैं कि हाँ कितने पावर का स्पीकर उन्हें खरीदना चाहिए कितने पावर के एम्पलीफायर के साथ। तो रूल तो यही कहता है कि जितने पावर का एम्पलीफायर है उतने पावर का ही स्पीकर होना चाहिए, और सारी बातें RMS में हो रही है। तो अगर आपके पास 100 वाट RMS का स्पीकर है तो आपके पास एम्पलीफायर भी 100 वाट RMS का होना चाहिए, या दूसरी तरीके से अगर आपके पास 100 वाट RMS का एम्पलीफायर है तो आपके पास स्पीकर भी 100 वाट RMS का होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर 2 थ्योरीज हैं, दोनों थ्योरीज में आपको बता दूंगा, आपको जो समझ में आए कर सकते हैं। एक थ्योरी ये कहती है दोस्तों कि जितने वाट्स का स्पीकर है उसके 1.5 गुने वाट्स का एम्पलीफायर आपके पास होना चाहिए। ये आइडियल थ्योरी है, ये अच्छी आवाज के लिए है। और क्यों होना चाहिए मैं बता देता हूं दोस्तों। सपोज कीजिए कि आपके पास एक 100 वाट का एम्पलीफायर है और 100 वाट का ही आपके पास स्पीकर है, तो जब भी आप इस स्पीकर को चलाने की कोशिश करेंगे तो इस स्पीकर की पूरी पावर यूटिलाइज करने के लिए आपको इस एम्पलीफायर को फुल वॉल्यूम करना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी एम्पलीफायर को फुल वॉल्यूम की तरफ हम ले जाते हैं, नॉर्मली अच्छे से अच्छा भी एम्पलीफायर हो तो 70% 60% वॉल्यूम के बाद उसकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ जाती है, यानी कि आवाज में नॉइज आने लगती है। यानी कि 100 वाट के स्पीकर को आप 100 वाट के एम्पलीफायर के साथ क्लीन रूप से, यानी बिल्कुल प्योर जो है 60 वाट दे सकते हैं, जबकि स्पीकर आपका 100 वाट का है, इसलिए आप अपने स्पीकर का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। आप चला सकते हैं लेकिन आवाज उतनी क्लीन नहीं आएगी जब आप वॉल्यूम फुल कर देंगे। तो दूसरा रास्ता ये है दोस्तों कि आप 100 वाट का स्पीकर है और आप 150 वाट का अगर एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो इसको अगर आप 60% इसका वॉल्यूम खोलते हैं तो लगभग 90 वाट आउटपुट ये देने लगता है। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन मैं बता रहा हूं। 150 वाट वाले एम्पलीफायर से 100 वाट वाले स्पीकर को 90 वाट की पावर आप कम डिस्टॉर्शन के साथ दे सकते हैं। वही 90 वाट अगर आप उसको 100 वाट के एम्पलीफायर के साथ देंगे तो उस 90 वाट में ज्यादा डिस्टॉर्शन आ जाएगा। यानी कि अगर आप क्लीन बजाना चाहते हैं, अगर आप हेडरूम छोड़ना चाहते हैं और ऑप्शन चाहते हैं कि हाँ मेरे पास ऑप्शन अभी है, क्लीन ऑडियो का ऑप्शन मेरे पास है, तो आप 100 वाट के स्पीकर को 150 वाट के एम्पलीफायर से चलाइए। इसी तरीके से आप अपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 1000 वाट RMS का स्पीकर है तो उसको 1500 वाट RMS के एम्पलीफायर से चलाइए। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है इस कैलकुलेशन का जो इंडिया में ज्यादा यूज होता है, बिकॉज स्पीकर कीमती होता है तो लोग इस तरीके से ही कॉन्फिगर करना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो भाई मेरा 100 वाट का एम्पलीफायर है तो मैं इसके साथ 200 वाट का स्पीकर लगाऊंगा। तो ये तो आपने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आपका स्पीकर सेफ रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होती है, जब कभी भी आपको जरूरत होती है कि मुझे तेज आवाज सुननी है, क्योंकि अगर आप 200 वाट के स्पीकर को 100 वाट की इनपुट पावर देंगे तो वो पूरी क्षमता से अपने काम नहीं कर पाएगा, फुल कैपेसिटी का परफॉर्मेंस आपसे नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको जरूरत होगी कि यार थोड़ा मैं तेज बजाता हूं, तो आप अपने 100 वाट वाले एम्पलीफायर को फुल कर देंगे। तो जब फुल कर देंगे तो 100 वाट तो देगा, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी एम्पलीफायर को जब हम फुल करते हैं तो उसमें क्लिपिंग होने लगती है, और क्लिपिंग जो है स्पीकर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, क्योंकि क्लिपिंग में जो है आपका वेव फॉर्म जो होता है साइन वेव ना होकर फ्लैट टाइप का हो जाता है, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस पावर उसमें से बहने लगती है डीसी टाइप की। तो जब क्लिपिंग ज्यादा होती है तो वो कंटिन्यूअस पावर जो है 200 वाट को भी स्पीकर को भी जला सकती है। इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि तेज आवाज में बजाने से
छोटे एम्पलीफायर से भी बड़ा स्पीकर जल जाता है। तो आप ये मत समझिए कि छोटे एम्पलीफायर से चलाने से आपका स्पीकर सेफ है। अगर आपको हेडरूम ज्यादा चाहिए तो वो डेढ़ गुना वाला थ्योरी अपनाइए, सेफ रखना चाहते हैं तो दो गुना वाला थ्योरी अपनाइए, लेकिन फिर वॉल्यूम फुल मत कीजिए किसी भी कंडीशन में। चौथा एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो चीज है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। होता यह है दोस्तों कि आपके स्पीकर में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, कोन होता है, क्वाइल होती है, ये सराउंडिंग्स होती हैं। जब ये अप डाउन करेगा फ्रीक्वेंसी की वजह से तो ऑडियो के अलावा कुछ अपनी भी नॉइज इसमें होती है, सब बुफर्स वगैरह में वो नॉइज बहुत ज्यादा होती है, तो उसको हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो बोलते हैं। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो में इतना जान लीजिए कि जितना ज्यादा होगा सिग्नल टू नॉइज रेशियो उतना है स्पीकर आपका कम नॉइज करेगा, यानी कि अच्छे से चलेगा। तो जब भी स्पीकर खरीदिए उसका SNR या सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज्यादा होना चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि सबसे जरूरी पॉइंट है, और ये पॉइंट इतना जरूरी है कि इस पे एक पूरी वीडियो नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं। सपोज कीजिए कि स्पीकर आपने खरीद लिया, लेकिन अगर आपने उसको सही कैबिनेट में नहीं डाला, ये जो कैबिनेट है इसका, तो स्पीकर की ऑडियो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। और ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपने कभी देखा होगा, अगर आपने कोई ब्रांडेड सिस्टम अच्छे सुने होंगे, सोनी आईवा फलाना, या प्रोफेशनल में JBL वगैरह के, तो आपने देखा होगा कि उनके स्पीकर की एक पर्टिकुलर डिजाइन होती है, और उस साइज का स्पीकर मार्केट में भी आपको लोकल टाइप में मिल जाए, लेकिन उनकी ऑडियो बहुत ही बेहतरीन होती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उनके जो कैबिनेट का डिजाइन होता है वो प्रॉपरली कैलकुलेटेड होता है। आप सोच रहे होंगे कि कैबिनेट के डिजाइन में कैलकुलेशन का क्या मतलब है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि एक स्पीकर लेकर उसके चारों तरफ पांचों तरफ दीवार बना देना, लकड़ी लगा देना, यही कैबिनेट मेकिंग नहीं है, बहुत लंबा साइंस है इसके पीछे। अगर हम एकदम बेस में जाएं, एकदम बेसिक में जाएं, तो कैबिनेट दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा सील्ड इनक्लोजर, यानी कि बिल्कुल सील्ड रहेगा, उसके अंदर स्पीकर हमने लगा दिया और बंद कर दिया। और दूसरा होता है पोर्टेड इनक्लोजर। तो सील्ड इनक्लोजर तो एक सिंगल टाइप का हो गया, पोर्टेड में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, जैसे फ्रंट बास रिफ्लेक्स है, बैक रिफ्लेक्स, डाउन रिफ्लेक्स, और तमाम टाइप के होते हैं। तो इनसे होता क्या है दोस्तों कि जब आपका स्पीकर मूवमेंट करता है तो उसके आगे से एक ऑडियो निकलती है, यहां से आपकी ऑडियो निकल रही है, और सेम फ्रीक्वेंसी दोस्तों पीछे से भी निकलती है। और जब आप बिना किसी फ्रेम के इसे यूज करते हैं, बिना किसी कैबिनेट के यूज करते हैं, तो आपकी आगे से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को पीछे से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी कैंसिल कर देती है। तो हमारे कैबिनेट या स्पीकर बॉक्स का यही काम होता है कि स्पीकर के सामने और पीछे से निकलने वाली ऑडियो फ्रीक्वेंसी के फेज को एक तरह से कर दिया जाए, कॉन्स्ट्रक्टिव फेज में कर दिया जाए, ताकि एक दूसरे से मिलकर वो ऑडियो को बूस्ट करें, ना कि डिस्ट्रॉय करें। यही होता है दोस्तों, लेकिन इसमें कैलकुलेशन का बहुत महत्व होता है दोस्तों, और यहां पे मैं आपको सिर्फ डिस्कस करूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ताकि आप समझ जाएं कभी मुझे अगर मौका मिला, क्योंकि वो बहुत ही हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझना मुश्किल है। तो दोस्तों होता क्या है कि हर स्पीकर का एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रॉपर्टी जिसका इसका ओम्स है और इसकी साइज है, ये आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं T&S पैरामीटर, यानी कि थीले स्मॉल पैरामीटर्स। इसमें कम से कम 20 पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, 20-25 पैरामीटर्स का सेट होता है ये, और भी ज्यादा होते हैं। जैसे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ थीले स्मॉल पैरामीटर्स में। जैसे कि दोस्तों ये स्पीकर आप देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये एक ब्रांडेड स्पीकर है और काफी ऑडियो फाइल तरीके के मेकर जो है इसको यूज करते हैं खुद से स्पीकर बनाने में। तो इस बाकी स्पीकर में आपको ओम सेंसिटिविटी वगैरह मिलेगी, लेकिन जो T&S पैरामीटर होते हैं वो स्पीकर के साथ बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मैन्युफैक्चरर देते हैं। आपको दिखाता हूं कि इस स्पीकर का T&S स्पेक्स जो है, स्पेसिफिकेशन कितना ज्यादा है। देखिए इस स्पीकर के स्पेसिफिकेशन देखिए कि क्या है स्पीकर। इतना ज्यादा अगर आपके पास डेटा होगा तभी आप एक स्पीकर का बॉक्स अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मल डेटा तो आपका होना चाहिए कि स्पीकर क्या है, फुल रेंज है, 4 इंच का है, 30 वाट का है, 60 वाट मैक्सिमम है, 4 ओम इम्पीडेंस है, सेंसिटिविटी 84.2 है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 80 से 20 है, वॉइस क्वाल का डायमीटर 26 है। अब देखिए यहाँ पे थीले स्मॉल पैरामीटर्स आपके आ गए। डीसी रेजिस्टेंस है 3 ओम, वॉइस क्वाल का इंडक्टेंस है 0.67 mH,
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 80.2 हर्ट्ज, मैकेनिकल क्यू, इलेक्ट्रिकल क्यू, टोटल क्यू, डायफ्राम मास, मैकेनिकल कंप्लायंस ऑफ सस्पेंशन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट बीएल, ये मैग्नेट की पावर होती है, कॉम्प्लायंस इक्विवेलेंट वॉल्यूम वीएस, मैक्सिमम लीनियर एक्सकर्शन यानी कि आपका कोन आगे पीछे मैक्सिमम कितना जा सकता है, और ये सब इतने पैरामीटर्स कम से कम आपके पास होंगे तब आप स्पीकर का बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए इन्होंने बताया है कि पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर में आप रखेंगे इन सब वैल्यूज को, लेकिन पर्टिकुलरली ऑनलाइन में बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं आपके बॉक्स डिजाइन करने के लिए। और अगर आप किसी अच्छे बॉक्स मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पर जाते हैं जैसे पॉइनियर वगैरह, तो वहां पर आपको खुद उनका बॉक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बना हुआ है। जो भी बॉक्स आप खरीद रहे हैं उसमें आपको पोर्ट्रेट चाहिए कि सील चाहिए, या सिक्स ऑर्डर का चाहिए, सेकंड ऑर्डर का चाहिए, फ्रंट वेंटेड चाहिए, लेकिन उस डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए सारे पैरामीटर्स आपको उसमें रखने पड़ेंगे। तो यहां पे प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी आ गई कि जब भी आप लोकल मार्केट में लोकल स्पीकर खरीदने जाते हैं तो आपको रेजिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। रेजिस्टेंस, साइज, मैग्नेट वगैरह बता देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों होता यह है कि एक्चुअली ये थीले स्मॉल पैरामीटर्स को आप मेजर भी कर सकते हैं, कुछ तरीके हैं इसकी मेजर करने के लिए, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आप बिल्कुल लोकल ड्राइवर खरीदने से अच्छा है कि आप किसी भी ब्रांड का ड्राइवर खरीदें। तो इंडिया में ब्रांडेड ड्राइवर थीले स्मॉल पैरामीटर के साथ बहुत ही कम अवेलेबल हैं, और अगर कुछ ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं तो महंगे हैं। तो उसका उपाय यह है दोस्तों कि कार ऑडियो के स्पीकर्स जो आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये स्पीकर है ब्लाउपुंट का, ब्लाउपुंट का ये जो स्पीकर है इसका टी एंड एस पैरामीटर आपको उसके बॉक्स पे, उसके मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अगर आप साउंड बॉक्स बनाना चाहते हैं खुद से तो इस तरह का स्पीकर खरीदिए जिसका डेटा आपको मिल जाए, तभी आप डिजाइन कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपने एक स्पीकर खरीदा खूब बढ़िया डिजाइन करके उसके चारों तरफ आपने वुड लगा दिया, प्लाईवुड लगा दिया, फलाना ढमाका कर दिया, लेकिन फिर भी वो ऑडियो अच्छी नहीं आएगी। और दोस्तों इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया में चाहे वो ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर वाला हो चाहे कोई भी हो, कोई भी इतना रिसर्च करके नहीं करता है। बहुत मैन्युफैक्चरर करते ऐसा है कि हाँ मैं एक 15 इंच का बॉक्स बनाने जा रहा हूं, जैसे हमारे लोकल ऑडियो मैन्युफैक्चरर है, तो वो क्या करेंगे कि JBL का डायमेंशन कॉपी कर लेंगे। भाई JBL की डायमेंशन तो आपने कॉपी कर ली, लेकिन JBL के स्पीकर की स्पेसिफिकेशन आप कॉपी नहीं कर पाएंगे। हर स्पीकर का स्पेसिफिकेशन एक दूसरे से अलग होता है, जो एक फैक्ट्री बनाती है वही बना सकती है। अगर आप JBL का स्पीकर यूज करेंगे उस डायमेंशन के बॉक्स के साथ तभी JBL की आवाज आएगी, नहीं तो उससे अच्छी आ सकती है। कभी कभी किसी केस में उससे अच्छी भी आ सकती है, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को बूस्ट कर सकता है आपका बॉक्स, लेकिन उसके जैसी ऑडियो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। इसको लिख के ले लीजिए, ब्रांडेड स्पीकर अच्छे क्यों बजते हैं इसका रहस्य आपको समझ में भी आ गया, और लोकल मैन्युफैक्चरर उस तरह की आवाज क्यों नहीं दे पाते हैं ये भी चीज आप जान गए। तो दोस्तों इस तरीके से आप मार्केट में स्पीकर खरीदिए, जो भी खरीद रहे हैं बहुत सारे कार स्पीकर अवेलेबल हैं, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मैंने देखा भी है, इंडियन मैन्युफैक्चरर भी जो प्रोफेशनल है वो अब अपने वेबसाइट पे TS पैरामीटर्स देने लगे हैं, और साथ में कुछ लोगों ने ये भी किया है कि हाँ भाई TS पैरामीटर देने से डिजाइन करने में थोड़ा मुश्किल है एक आम आदमी में, तो चलो बॉक्स का डिजाइन उनको दो चार ऑप्शन दे देते हैं। मैंने कई सारे वेबसाइट पे देखा है, वहां पे उन्होंने बॉक्स डिजाइन का डेटा भी दिया हुआ है। तो अगर आप स्पीकर खरीदते हैं बॉक्स डिजाइन का डेटा दिया हुआ है वेबसाइट पे, तो आप उसी हिसाब से बॉक्स की डिजाइनिंग करें तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी। तो दोस्तों ये था स्पीकर के बारे में मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा? और कुछ भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा और चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में फैलाइए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स एंड बाय।